पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने नामचीन गुंडों समेत ली 300 गुंडों की पहचान, परेड दी अपराध न करने की चेतावनी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नागपुर के विवादास्पद पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार अब तबादलों के चलते पुणे के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त बने हैं। पुणे में अमितेश कुमार ने कहा था कि अवैध धंधों पर उनकी गाज गिरेगी, उनकी नजर बनी रहेगी और सख्त कार्रवाई होगी। इसी के चलते अपनी एक अलग कार्य पद्धति का यहाँ पर परिचय कराते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पुलिस आयुक्तालय में ही मंगलवार 6 फरवरी को पुणे के तमाम नामचीन जितनी गुंडों की टोलिया है, जितने गिरोह है उनको और नए से बने जो युवा इस गलत तरीके की लाइन में आ गए हैं गुंडागिरी की, ऐसे जो नए रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स हैं, ऐसे लगभग 300 गुंडों को जो है पुलिस आयुक्तालय में बुलाया गया था। कि वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलाया गया था और फिर यहां पर इन गुंडों को क्या बताया गया। इसमें गजा मारने का गैंग है, नीलेश घायवल, बाबा बोड़के, फिर अन्य दूसरे और नामचीन अपराधी हैं। इन सबको सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाली रील्स न बनाई जाए। अपने एड्रेस, पते, अपनी मोबाइल नंबर जो कुछ भी आप बदलोगे तो फौरन पुलिस को सूचित किया जाए और कानून व्यवस्था बनाए रखने में, शांति बनाए रखने में बिल्कुल अपराधों से दूरी बनाए रखे, इस तरह की चेतावनी भी दी गई है। तो देखिए पुलिस आयोग की पूना के तमाम गुंडों से ये पहचान परेड, जो शायद पुणे में फैलते कोयता गैंग और अन्य गैंग और के इस श्रृंखला को कहीं ना कहीं तोड़ेगी। सीपी बोल रहे हैं, ये माको माको नितिन भले बैरियर सर्कल।